चाहता हूँ जो भी हम लेक्चर्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं वो दोनों ही मीडियम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इकाई नंबर 4 आ जाएगा, इकाई नंबर 4 में भी आपके 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि इसमें आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। जो भी आपके अप्लाइड मैथ 1 की बुक की PDF हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के अप्लाइड मैथ 1 के सिलेबस के बारे में। तो फाइनलिस्ट जैसा कि बताया आप सभी को, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो ब्रांच के अकॉर्डिंग। जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है तो फाइनली आप अपना पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में अपने स्टार्ट करने जा रहे अप्लाइड मैथ 1 का आपका सिलेबस आपको डिस्कस करने वाले, उसके बाद हम आपको लेक्चर्स की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी हम लेक्चर्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराने वाले वो दोनों ही मीडियम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले यहां पे देखिए आपका सिलेबस क्या है। देखो सबसे पहले आपका सिलेबस मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अगर आपका ब्रांच कोई भी है तो अप्लाइड मैथ 1 कंपलसरी होता है, अप्लाइड मैथ 1 कंपलसरी होता है। और आपको यह ध्यान रखना है कि अप्लाइड मैथ 1 भी है और उसके बाद सेकंड भी, और इसके बाद आपका अप्लाइड मैथ 3rd भी, यानी कि 3 आपके मैथमेटिक्स आएंगे। यहां पे ध्यान से समझने वाली ये बात है कि अप्लाइड मैथ 1 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो यहां पे ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या है, इकाई 1, यानी कि इकाई 1 का मतलब यूनिट नंबर 1। इसके अंदर आपके 4 यूनिट है, देखो पहली दूसरी तीसरी और यहाँ पे 4, यानी कि 4 यूनिट है, यानी कि यूनिट कितनी हमारी 4 यूनिट है। यहाँ पे सबसे पहले देखो यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 में आपके 4 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम क्या है आपका, समांतर श्रेणी, इसका नाम क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं AP। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हो गुणोत्तम श्रेणी, और उसका नाम क्या है आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, राइट। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर आपका द्विघात परिमेय, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और आपका फोर्थ है आपका यहाँ पे देख सकते हो सारणिक, यानी कि इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, राइट। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से देखना, जो भी इकाई आपकी ना इंपॉर्टेंट होगी इसको मैं बता दूंगा। यहां पे देखिए सेकंड आपका क्या है, इकाई नंबर सेकंड में आपके कितने चैप्टर है, सिर्फ 2 चैप्टर है। तो अगर देखोगे यहां पे 5वां चैप्टर, जैसे आपके 4 हो चुके थे ये आपका 5वां चैप्टर, इसको हम बोलते हैं आपका वेक्टर अलजेब्रास, राइट। स्टूडेंट छठे चैप्टर का आप नाम देखिए, छठे चैप्टर का हमारा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है डमिनेवर थ्योरम। यहाँ पे यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स का नंबर होता है समीक संख्या है और आपका डमिनेवर परिमेय, राइट। उसके बाद हमारा देख सकते हो इकाई नंबर चेंज हो गया, आप देख सकते हो पहले इकाई में आपके कितने चैप्टर थे 4, और सेकंड इकाई में मेरा कितने चैप्टर है 2, और उसके बाद इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 3 में आप देख सकते हो आपके 2 चैप्टर है, इसके अंदर भी आपका 7वां चैप्टर का नाम है। जैसे कि आपके 6 हो चुके थे, इसका 7वें नंबर का नाम है आपका त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों में संबंध, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में आपका नाम होगा रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, राइट। ये आपका हो गया 7वें नंबर का चैप्टर। 8वें नंबर का आपका चैप्टर का नाम क्या है, प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका आपका नाम क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, राइट। इतनी चीज आपको क्लियर है। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हो आपका इकाई नंबर 4 आ जाएगा, इकाई नंबर 4 में भी आपके 3 चैप्टर्स है, यानी कि इसमें आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका, क्योंकि इसके अंदर आपकी डिफरेंशिएशन है, जिसको हम बोलते हैं ना आपका अवकलन, यानी कि अवकलन इसके अंदर है। और ये अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, जो आपका सेकंड में आएगा आपका, और इस तरीके से 3rd से भी आपका रिलेटेड होगा। तो ध्यान से देखिएगा आपका 4th इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले 9th नंबर पे आपका मेंशन है फलन, इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। और आपका 10वां चैप्टर का नाम है आपका सीमाएं, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अवकलनीयता, और इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद हमारा देख सकते हो 11वें नंबर पे क्या बोल रखा है अवकलन, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन, यानी कि टोटल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टोटल मिला के आपके 4 इकाई है। पहली इकाई में आपके ये 4 चैप्टर है, उसके बाद दूसरी इकाई में आप देख सकते हो 2 चैप्टर है आपके, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 2 चैप्टर थे आपके तीसरी इकाई में, और जो चौथी इकाई आपकी, चौथी इकाई में आप देख सकते हो कितने चैप्टर आपके 3, यानी कि टोटल मिला के आपके 11 चैप्टर्स हो चुके हैं, यानी कि 11 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है। एक एक करके हम चैप्टर्स वगैरह के लिए आपके लिए हम वीडियोस लाते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इकाई नंबर 1 यानी कि समांतर श्रेणी और आपका GP के लिए, यानी कि हम आपके जितने भी हैं एक एक करके आपके लिए लाते रहेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं GP और AP आसान आसान है, तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और बुक की जो आपकी PDF है, यानी कि जो भी आपकी अप्लाइड मैथ 1 की बुक की PDF है, हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सके तो इस बार लिंक दे दूंगा, अगर आपकी जनरेट हो जाती है लिंक तो, और अगर नहीं हो पाती तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको चैनल की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर मैं आपको लिंक ही प्रोवाइड करा दूंगा बुक की, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि आपका सिलेबस वगैरह क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम वगैरह का पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम वगैरह क्या होती है, उसके बाद हम आपका अप्लाइड मैथ 1 का लेक्चर्स अपलोड कर देंगे आपके लिए, राइट। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।